बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी किचन में खुश आमदीद वीवर्स। बर्गर तो आपने बहुत से खाए होंगे और बर्गर की तैयारी काफ़ी टाइम टेकर भी होती है, लेकिन आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है झटपट बर्गर, जो बहुत जल्द तैयार होते हैं और जायके और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब हैं। आइए देखते हैं कि झटपट बर्गर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले हमारे पास है फ्रेश सलाद, जिसे हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। चिली गार्लिक सॉस है 3 टेबलस्पून। एक बड़ा खीरा जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए पुदीने की चटनी, एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी हमने फाइन चॉप किया है। चिकन है हमारे पास 250 ग्राम, फ्रेश लेमन 1 अदद, 1/2 टीस्पून हमारे पास है नमक, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, और 1 छोटे साइज़ की बंद गोभी। और इसके अलावा हमारे पास ये बर्गर बन है, आप चाहें तो आप इसकी बजाय आप राउंड बर्गर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए कुकिंग ऑयल चिकन को फ्राई करने के लिए। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, हमने 3 टेबलस्पून ऑयल हमें चाहिए, 1/2 टीस्पून हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसका बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर आ गया, बहुत अच्छा। और हमें इसकी इतनी ही कुकिंग चाहिए थी। दूसरी तरफ मैंने बर्गर को हाफ कट करके और उसको मैंने ऑयल हल्का सा लगा कर उसे सेक लिया था। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसे साइड पर कर रहे हैं। जी, ये है अब हमारे पास चिकन, और अब हम तमाम चीज़ें इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। टमाटर, खीरे, और 1/2 टीस्पून नमक, इसके अलावा ये हमारे पास चिली गार्लिक सॉस। याद रखें कि चिली गार्लिक सॉस में हमारे पास ऑलरेडी सिरका और लीमू और चाट पाउडर भी शामिल था, तो इसलिए हमने नमक की क्वांटिटी इसमें बहुत कम रखी है। इसके अलावा जो दही की चटनी हम मिक्स करेंगे, इसमें भी ये तमाम चीज़ें चाट पाउडर वगैरह मौजूद हैं। पुदीने की और दही की चटनी, फ्रेश लेमन जूस, और प्याज। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
जी ये अब ये तमाम बैटर तैयार है, तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं इसमें, और ये हमने बन को हल्का सा फ्राई कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा। आप किसी फ्लैट कढ़ाई में या तवे के ऊपर इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसे सेक लें, और अब ये फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से हम तमाम बंस की फिलिंग कर लेंगे। जी अब ये इन तमाम बंस की फिलिंग हो गई है, और अब हम इनको हल्का सा बिल्कुल फ्राई करेंगे दोबारा। हमने कढ़ाई को ग्रीस किया, और अब हम इसे फ्लेम बिल्कुल लो रखिए आप, और इसे हम अब इसको आराम से आप पलट लें। हल्का हल्का इसे प्रेस करें। और बस ये अब बिल्कुल तैयार है। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, टेस्टी किचन के झटपट बर्गर बिल्कुल तैयार हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ, और मेरे चैनल टेस्टी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।